वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसर्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिसप्लेजिया। यहाँ पर हम डिसप्लेजिया और मेटाप्लेजिया में डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअली गाइज क्या होता है, ये दोनों सेम से होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन दोनों को डिफरेंस करना। तो आज ये वीडियो इसी के लिए है, डिफरेंस के लिए, ठीक है। और हम बता दें मेटाप्लेजिया और डिसप्लेजिया ये दोनों सेल एडेप्टेशन के एक टाइप है। ये हमने पिछले वीडियोज में डिफाइन कर दिया था। और गाइज हम यहाँ पर पिछले वीडियो का रिवीजन करें, हल्का सा रिवीजन करें तो सेल एडेप्टेशन होता क्या, हम डेफिनेशन देख लेते हैं सेल एडेप्टेशन की होता क्या। तो गाइस सपोज करो एक सेल है, सेल को कोई स्ट्रेस मिला तो इस स्ट्रेस से सर्वाइव करने के लिए या उस स्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए सेल अपने मेटाबॉलिज्म या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता है या कुछ एडजस्टमेंट करता है। उस सारे एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं, सेल एडेप्टेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन है एडजस्टमेंट डन बाय द सेल इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्ट्रेसेस टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट इज नोन एज सेल एडेप्टेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। सेल एडेप्टेशन बहुत सारे टाइप्स थे वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं मेटाप्लेजिया का, फिर डिस्प्लेजिया और दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक, क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीज़ें। तो गाइस पहले मेटाप्लेजिया को थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। मेटाप्लेजिया हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि मेटाप्लेजिया में कोई एपिथीलियल है, कोई एपिथीलियल सेल है या फिर कोई मेसेनकाइमल सेल है। मेसेनकाइमल सेल वो क्या करती है, एपिथीलियल मेसेनकाइमल सेल अदर एपिथीलियल और मेसेनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है गाइस, क्यों कन्वर्ट हो जाती है? यहाँ पर गाइस एक स्टिमुलस मिलता है। कौन सा स्टिमुलस? एक स्टिमुलस मिलता है, उस स्टिमुलस बोलते हैं इरिटेंट स्टिमुलस के मिलने पर जो एपिथीलियल सेल है वो एक एडेप्टेशन शो करेगी, वो दूसरे एपिथीलियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटाप्लेजिया। यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है, एक डिफ्रेंशिएटेड सेल अदर डिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, अदर डिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मैच्योर सेलुलर डेवलपमेंट होता है। मैच्योर सेलुलर डेवलपमेंट मतलब मोर स्पेशलाइज्ड सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेस स्पेशलाइज्ड सेल में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हम स्मोकर्स की बात करते हैं ना, स्मोकर्स की बात करें जो ऐसे सिगरेट पीते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, स्मोकर्स की बात करें ना गाइस हम, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्मोकर्स में क्या होता है। ये रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है स्मोकर्स की रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में क्या होता है, सीलिएटेड एपिथीलियम होता है। लेकिन जो सिगरेट स्मोक होती है वहाँ से एक इरिटेंट स्टिमुलाई आता है। क्या आता है, इरिटेंट स्टिमुलाई आएगा। इरिटेंट स्टिमुलाई क्या करता है गाइज, ये इस एपिथीलियम को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, स्क्वेमस एपिथीलियम में कन्वर्ट कर देगा। तो एक एपिथीलियम जो है वो दूसरे एपिथीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटाप्लेशिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं गाइज, आपका और एग्जाम्पल है यूटेराइन एंडोसर्विक्स, ये एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, यूटेराइन एंडोसर्विक्स, ठीक है। तो इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेटाप्लेजिया का हमने ओवरव्यू लिया पिछले वीडियो से, ठीक है। हम गाइस कर रहे हैं डिसप्लेजिया, अब मेन टॉपिक हमारा डिसप्लेजिया क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस डिसप्लेजिया मतलब डिसऑर्डर्ड क्या होता है गाइस, जिस नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है आपका सेल है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सेल डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्मली। लेकिन डिसप्लेजिया में क्या होता है, ये नॉर्मल सेल डेवलपमेंट जो है डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक इमेज दिखाते हैं, ये एक इमेज है, दिस वन इज इमेज, ठीक है, ये इमेज है। इमेज में ये नॉर्मल सेल थी, ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल सेल। अब गाइज क्या होता है, बाहर से कोई स्टिमुलाई आता है, इरिटेंट स्टिमुलाई आने से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल है वो उसका क्या होता है, डिसऑर्डर डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर डेवलपमेंट दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं हम इसे, डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट
डिसऑर्डर डेवलपमेंट, ठीक है गाइज। और यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, डिसऑर्डर डेवलपमेंट तो हो गया, यहाँ पर मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसल सेल है सॉरी, ठीक है ये हो गया। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है सेल का, ये जो बेसल सेल है उसके पास प्रेजेंट होएगा नॉर्मली। लेकिन क्या होता है गाइस, लेकिन क्या होता है, जो डिसऑर्डर डेवलपमेंट होएगी, अब जो डिसऑर्डर डेवलपमेंट होएगी उसमें क्या होता है, ये बेसल मेम्ब्रेन है ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है ये अवे फ्रॉम, अपोजिट हो जाता है, अवे अवे फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, अवे फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर ये न्यूक्लियस इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पास था, लेकिन यहाँ पर दूर हो गया ना, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ठीक, बेसल मेम्ब्रेन ठीक है। तो जो लॉस ऑफ पोलैरिटी, हम क्या कर सकते हैं इसे, लॉस ऑफ पोलैरिटी, लॉस ऑफ पोलैरिटी, लॉस ऑफ पोलैरिटी यहाँ पर हो जाती है, पोलैरिटी यहाँ पर हो जाती है। क्लियर गाइज ये सारे पॉइंट। और गाइज हम यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म। जो सेल थी यहाँ पर, हम वापस डायग्राम लेते हैं, ये जो सेल थी यहाँ पर प्लियोमॉर्फिज्म दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लियोमॉर्फिज्म। तो डिस्प्लेजिया में एक और पॉइंट आता है प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म। एक और पॉइंट ले सकते हैं गाइज हम यहाँ पे, जो डिस्प्लेजिया होता है, जो डिस्प्लेजिया होता है ना वो ओनली एपिथेलियल सेल्स में होता है, ओनली एपिथेलियल सेल्स में होता है, एपिथेलियल सेल्स। अब हम मेटाप्लेजिया में देखे थे, मेटाप्लेजिया कहाँ हो रहा था, मेटाप्लेजिया कहाँ हो रहा था, ये एपिथेलियल सेल्स में भी हो रहा था और मेसेनकाइमल सेल्स में, मेसेनकाइमल सेल्स में भी हो रहा था, लेकिन जो डिस्प्लेजिया है वो सिर्फ एपिथेलियल सेल में होता है। क्लियर गाइज ये सारी चीज़ें, क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर गाइज हमने क्या देखा, हमने देखा ये सारे में डिस्प्लेजिया, डिसऑर्डर डेवलपमेंट होता है, लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाती है, यहाँ पर प्लियोमॉर्फिज्म डेवलप हो जाता है ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो अवे फ्रॉम द बेसल मेम्ब्रेन चला जाता है ठीक है गाइज, क्लियर है सारी चीज़ें। अब गाइज हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस यहाँ पर गाइज एक चीज़ हम देख सकते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो बेसमेंट लेयर है ना, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स ठीक है, ये जो लेयर होती है एपिथेलियल सेल की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज इन लेयर्स, लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल की जो लेयर्स होती हैं उनके जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है, इसके लिए। और गाइस सेलुलर और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हमने यहाँ देखा ठीक है, सेलुलर और न्यूक्लियर। एक और पॉइंट गाइस यहाँ पर है, इंक्रीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इंक्रीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये भी इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो डिस्प्लेजिया में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेटिज्म, जो न्यूक्लियस है स्ट्रेन करने पर जो क्रोमेटीन है वो इनकी जो डेंसिटी वो ज़्यादा हो जाती है, न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म, क्रोमेटिज्म ठीक है। एक और पॉइंट जो है यहाँ पर ले सकते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं, साइड में यहाँ लिख देते हैं, एक और पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, जो माइटोटिक एक्टिविटी होती है, माइटोटिक एक्टिविटी सेल की, माइटोटिक एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट है प्लियोमॉर्फिज्म में, एक हमने दिया लॉस ऑफ पोलैरिटी, एक पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं लॉस ऑफ पोलैरिटी, वो हमने बता दिया था, न्यूक्लियस है वो अवे फ्रॉम, यहाँ से अवे चला जाएगा, लॉस ऑफ पोलैरिटी, लॉस ऑफ पोलैरिटी, ये देखा था न्यूक्लियस, ये वाले जो न्यूक्लियस देखा था ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब गाइस हम डिस्कस करते हैं मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लियर हो गया। अब गाइस सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन में हम क्या बात करें, डेफिनेशन में ब्लू कलर लेते हैं यार। डेफिनेशन में गाइस चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल, इसमें क्या होता है, एक एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो रही थी, अदर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल के अंदर ठीक है, क्लियर सारी चीजें। यहां क्या होता है, मतलब डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ठीक है, क्लियर। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ये सिर्फ ये क्या ना, ये एपिथेलियल और किसके अंदर, मेसेनकाइमल, मेसेनकाइमल सेल्स में हो सकता है, ये ओनली एपिथेलियल में होता है, ओनली एपिथेलियल में, ओनली एपिथेलियल। इनके एग्जाम्पल लें अपन, एग्जाम्पल्स लें, एपिथेलियल का है तो एग्जाम्पल्स इनके होंगे ब्रोंकियल म्यूकोसा, ब्रोंचियल म्यूकोसा
ब्रोंकियल म्यूकस में यूट्राइन एंडो सर्विक्स, यूटेराइन एंडो सर्विक्स, ठीक है। और अदर मेसेंजाइमल टिश्यू हो सकता है, कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज, ठीक है सारे। यहाँ पर हम ओनली एपिथीलियम है, तो एपिथीलियम का एग्जांपल लें अपन, यूट्राइन जो सर्विक्स होती है, यूटेराइन जो सर्विक्स है, यूट्राइन जो सर्विक्स होती है वो इसके अंदर आती है, ब्रोंकियल, ठीक है, यूट्राइन सर्विक्स आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं एग्जाम्पल। थर्ड चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने मेटाप्लेजिया में बताया था, मैच्योर सेलुलर डेवलपमेंट मतलब जो मोर स्पेशलाइज सेल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, लेस स्पेशलाइज्ड सेल, इसे हम बोलते हैं मैच्योर सेलुलर डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा था, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर तीन पॉइंट हमने बताए थे, कौन कौन से, एक होता है प्लियोमॉर्फिज्म हो रहा था, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, ठीक है। एक पॉइंट था गाइस लॉस ऑफ पोलैरिटी, ये क्लियर हो गया यहाँ। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें, तो गाइस एक और डिफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं, कौन सा डिफरेंस, लास्ट है, फोर्थ है ना, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। मान लो अपने जो इरिटेंट स्टिमुलस दिया था, अब हमने उस जो स्टिमुलस है उसको विड्रॉ कर लिया, तो रिवर्सिबल नॉन विड्रोल, विड्रोल ऑफ स्टिमुलस, क्लियर। ये जो गाइस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है इसके अंदर में रिग्रेस, ये रिग्रेस कर जाता है, रिग्रेस मतलब या तो वो रिग्रेस कर जाएगा ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, या तो वो रिग्रेस कर जाएगा और प्रोग्रेस टू हाई ग्रेड, या फिर हाई ग्रेड जो डिस्प्लेजिया है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, तो रिवर्सिबल है, ये रिग्रेस कर जाएगा या तो कम हो जाएगा या फिर प्रोग्रेस कर जाएगा हाई ग्रेड डिस्प्ले, वो डिपेंड करता है, क्लियर गाइस। तो गाइस ये सारा वीडियो था हमारा, हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस किया डिफरेंस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं आप और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, कंसल्ट विद मी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।